अगर ट्रेन की यात्रा आपको पसंद है और आप जाना चाहते हैं साउथ इंडिया उत्तर भारत से, तो कैसे पहुंच सकते हैं कम पैसे के अंदर, पूरा वीडियो देख के पूरा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको कि अगर आपको तिरुपति बालाजी जाना है, आपको रामेश्वरम यात्रा करनी है, सबसे महंगे मंदिर पद्मास्वामी मंदिर का दर्शन करना है या त्रिवेंद्रम कोचिंग जाना है, तो इस पूरा वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए दोस्तों। तो बुक करने जाते हैं तो सबसे पहले मैं माइंड में सेट करता हूँ कि अगर आप देवरिया, कुशीनगर, गोंडा, लखनऊ, नेपाल के बॉर्डर, बिहार के बॉर्डर जाते हैं तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन चले जाइए और वहां से आपको ट्रेन मिल जाएगा जिसका नंबर है 1251। इसको कहते हैं राप्ती सागर एक्सप्रेस ट्रेन। ये हफ्ते में 3 दिन चलती है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और संडे। ये इजिली आप 2 महीने पहले इसमें टिकट बुक करा ली, आपको टिकट मिल जाएगा दोस्तों। जब आप कंफर्म टिकट बुक करते हैं तो साथ में ही रेलवे का रिटायरिंग रूम भी बुक कर लीजिए, क्योंकि आपका होटल का पैसा बच जाएगा। जिस तरीके से टिकट बुक किया जाता है उसी तरीके से रेलवे का रिटायरिंग रूम बुक किया जाता है। तो बता दूंगा आपके पास अगर कंफर्म टिकट है तभी आप रेलवे का रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं, अगर आपका कंफर्म टिकट नहीं है तो आप रेलवे का रिटायरिंग रूम बुक नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों साथ में कर लीजिएगा। मैं समझ लिया आपने टिकट बुक कर लिया, तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है तो ये वीडियो देख के अपना प्लानिंग बना सकते हैं दोस्तों। तो गोरखपुर से पकड़िए 1251, पहुंच जाइए चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के ऊपर। ये 6:35 सभी चलती है और अगले दिन रात को 11:30 आपको चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन उतार देगा। चेन्नई में 2 बड़े रेलवे स्टेशन, एक चेन्नई सेंट्रल और दूसरा रेलवे स्टेशन है चेन्नई एग्मोर। तो दोनों को आप माइंड में सेट कर लीजिएगा दोनों रेलवे स्टेशन के बारे में दोस्तों। तो आप चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए, वहां पे रात्रि में विश्राम करिए रेलवे के रिटायरिंग रूम के अंदर और अगले दिन प्लानिंग बनाइए तिरुपति बालाजी जाने के लिए। लगभग 4 घंटे का जर्नी करके आप तिरुपति बालाजी पहुंच सकते हैं। सिंपली आपको रेलवे स्टेशन से ही जो है आपको टिकट और ट्रेन मिल जाएगा तिरुपति बालाजी के लिए। बालाजी हम सब जानते हैं बहुत फेमस मंदिर है, सबसे अमीर मंदिर है भारत के अंदर। वहां पहुंचिए आप, वहां पहुंचने के बाद में आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे मंदिर जाने के लिए आपको बस हायर करना पड़ेगा, कोई गाड़ी बुक करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से लगभग 22 किलोमीटर दूर पड़ता है मंदिर, मतलब आपको त्रिमाला तक का बस पकड़ना पड़ेगा। वो पहाड़ी क्षेत्र है और 22 किलोमीटर जर्नी है, अच्छा जगह है, आप जा सकते दोस्तों। हम लोग भी गए थे, ऐसे ही गए थे। आप ऊपर जाइए, ऊपर जाने के बाद में मंदिर का दर्शन करिए। सब जानते हैं विष्णु भगवान का मंदिर है, भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है और साउथ के अंदर बहुत ही फेमस ये टेम्पल है दोस्तों। वहाँ दर्शन करिए, अगर रात स्टे करना चाहते हैं, अगर पहले से आपने वहाँ पर रूम बुक कर लिया है तो बहुत इजी बात है, अगर नहीं बुक किया है तो वहाँ जा करके आप रूम बुक कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के रूम वहाँ पे अवेलेबल हैं दोस्तों। एक मान्यता वहाँ पर है कि लोग जाते हैं अपने बाल को वहाँ पर दान करते हैं, चाहे छोटे बच्चे हो जाए, चाहे बुजुर्ग हो जाए, चाहे महिलाओं तक, तो देखा गया है कि वहाँ अपनी महिला जाके अपने बाल उतरवाकर वहाँ भगवान को दान कर देती हैं। और एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए, अगर आप जाते हैं संडे को बृहस्पतिवार को वहाँ जाने से परहेज करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग वहाँ गए थे, 300 का VIP पास लिए थे, मतलब VIP टिकट लिए थे, उसके बाद भी दर्शन करने में बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा, तो शायद ही आपके लिए फायदेमंद हो सकता है ये ट्रिक दोस्तों। तो सेंट्रल रेलवे स्टेशन के ऊपर अगर आपको चेन्नई भ्रमण करना है तो चेन्नई भ्रमण कर सकते हैं। और फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर रिटायरमेंट बुक किए हुए हैं आप वहां पर, तो एक दिन चेन्नई सेंट्रल बुक करिएगा और एक दिन बुक करिएगा चेन्नई एग्मोर रेलवे स्टेशन। दोनों लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी के ऊपर है, वहां पे आप एक्सचेंज कर सकते हैं। आप चेन्नई एग्मोर अगला दिन स्टे करिए अपना सामान ला के वहां से, और वहां स्टे करने के बाद में सामान रख दीजिए, वहां पे भी रिटायरिंग रूम है दोस्तों चेन्नई एग्मोर पे भी। और वहां से आप जा सकते हैं अपना टेस्ट बना के महाबलीपुरम, लगभग चेन्नई एग्मोर से ये 50 किलोमीटर दूरी पड़ता है, ये भी एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। अभी कुछ दिन पहले देखा गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी वहां पर मीटिंग किए हुए थे, और बहुत ही अच्छा पत्थरों के ऊपर जो है कलाकारी दिखाया गया है, मतलब पुराने जमाने का वो अस्तित्व बताता है वहां पर है दोस्तों। तो खूबसूरत जगह घूमने के, समुद्र किनारा है वहां पर, और वहां पर एक बहुत विशालकाय पत्थर वहां पे है, हम देखेंगे और आप भी जाएगा देखिएगा कि मतलब कि जैसे पत्थर पड़ा हुआ है कि गिरता नहीं पत्थर, तो आज साइंटिस्ट पता लगा नहीं पाए पत्थर रुकने का कारण क्या है। तो आप वो घूमिए उस जगह को महाबलीपुरम को, फिर लौट के अपना चेन्नई एग्मोर आ जाइए और वहां पे विश्राम करिए और अगला डेस्टिनेशन बनाइए पौंडीचेरी का दोस्तों। पौंडीचेरी चेन्नई एग्मोर से लगभग 150 किलोमीटर दूरी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है और इसके बारे में आप सब जानते होंगे। जिस प्रकार से गोवा के अंदर जो है आप मनोरंजन कर सकते हैं, उस तरीके से पौंडीचेरी के अंदर भी आप कम पैसों के अंदर मनोरंजन कर सकते हैं, एक अच्छा सुहावना जगह है। जब फ्रांस की लोग यहाँ पे मौजूद थे तो पौंडीचेरी में रहते थे, आज भी वहाँ पे फ्रांस कॉलोनी उपस्थित है, आप जाके उसका दर्शन कर सकते देख सकते हैं। तो ये भी समुद्र किनारा है, मतलब खूबसूरत जगह है और अच्छे बीच आपको मिल जाएंगे देखने के लिए दोस्तों। हम लोग भी गए थे वहाँ पे 2 दिन रुके हुए थे, आप भी जाकर वहाँ पे 2 दिन रुक करके पौंडीचेरी के बारे में, वहाँ की सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। फिर वहां से लौट के आप आइए, जो आपको जाना है अगला डेस्टिनेशन है रामेश्वरम। हम सब जानते हैं, बताता हूँ आगे, लेकिन आपको पौंडीचेरी से डायरेक्ट ट्रेन जो है रामेश्वरम के लिए मिलेगी नहीं,
आपको वहां से 2 घंटा जर्नी करके आना पड़ेगा विल्लुपुरम जंक्शन। नोट कर ली, दोबारा जो है तमिलनाडु में जगह पड़ता है विल्लुपुरम जंक्शन, वहां पर आइए और वहां से आपको जो है रामेश्वरम में रात्रि ट्रेन मिल जाएगी और अगले दिन आप रामेश्वरम स्टेशन पहुंच जाएंगे। दोस्तों रामेश्वरम पहुंचते ही तो मैं कहूंगा कि पहले से वहां पे रिटायरिंग रूम बुक कर लिए रामेश्वरम ग्रुप पर, क्योंकि सवेरे 4-5 में ट्रेन मिलेगी पहुंचेगी आपको और वहां आपका होटल बुक रहेगा रिटायरिंग रूम, रेलवे स्टेशन के ऊपर रिटायरिंग रूम है वहां पर, और जाइए अपना सामान रखिए, नहाइए और फिर फ्रेश होइए, फिर निकल जाइए रामेश्वरम घूमने के लिए। होटल जैसे आप जो स्टेशन से बाहर निकलेंगे आपको बस मिल जाएगा, मतलब वहाँ गाइड मिल जाएगा आपको घुमाने के लिए, आप उनका बस हायर कर लिए पूरा आप उसको रिजर्व कर सकते हैं। हम लोग गए तो रिजर्व कर लिए थे, पूरा जो है हमने बात के लिए क्या क्या घुमाना था पहले आप फिक्स कर लिए, उनके पास पूरा बुक होता है, बुक में देख के आपको यहाँ घुमाएंगे दोस्तों। तो वहाँ घुमाएंगे, जब देखा गया कि भगवान राम को रामायण काल के भगवान राम को जब वनवास हुआ था उसमें सीता मैया का हरण हो गया था, रावण ले चले गए थे, तो भगवान राम वही रामेश्वरम से जो है जाते हैं समुद्र के अंदर पत्थर डाल के हनुमान जी के साथ में, वो जगह भी मौजूद, उसको हनुमान गढ़ी कहते हैं, तो आप भी जाइए वहाँ देख सकते हैं। और वहाँ पे एक पुल भी है, रेलवे ब्रिज कहते हैं, कि जैसे कि उसके नीचे शिप गुजरता है ऊपर से जो है आपका ट्रेन का मतलब पटरी है, तो जब आप शिप नीचे गुजरना होता है ट्रेन की पटरी ऊपर खुल जाती है, तो ये भी मनमोहक दृश्य, इसको देख सकते हैं। और एक चीज मत भूलिएगा पक्का, वहाँ पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का जन्मस्थली है, वहाँ एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट, उनका घर देख सकते हैं आप, किसी के राष्ट्रपति घर जाना अलाउ नहीं होता लेकिन उनके घर के अंदर लोग जाते हैं गांव के रास्ते, आज भी उनके भाई जो है उनकी दुकान में बैठते हैं और हम लोग जो गए थे उनके घर पे गए थे देखे थे, मतलब एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है दोस्तों, तो आप लोग जाके रामेश्वरम का दर्शन कर सकते हैं, घूमने लायक जगह वो भी है दोस्तों। एक दिन में आप पूरा ये सब कवर कर सकते हैं। रात को आपका ट्रेन होना चाहिए अगले दिन कन्याकुमारी के लिए, तो कन्याकुमारी जाने के लिए आपको भी रामेश्वरम डायरेक्ट ट्रेन मिलेगा नहीं, तो आपको आना पड़ेगा रामेश्वरम से जो है नागरकोल, कन्याकुमारी से लगभग 20 किलोमीटर दूर पड़ता है नागरकोल रेलवे स्टेशन, रामेश्वरम से आपको ट्रेन मिल जाएगा, रात्रि ट्रेन आपको यही मिल जाएगा। मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग यही प्रेफर करिए, क्योंकि अगर दिन में जर्नी करेंगे तो आपको रात में होटल का पैसा लगेगा, तो होटल का पैसा बचाना है तो मैं तो कहूंगा कि रात में आप जर्नी करिए और सवेरे उठ के जो है आप पहुंच जाइए अगली जगह डेस्टिनेशन में। तो हम लोग रामेश्वरम से रात में टिकट बुक किए थे, पहुंच जाते हैं नागरकोल, नागरकोल पहुंचने के बाद में वहां से 19 किलोमीटर दूर पड़ता है कन्याकुमारी, वो टूरिस्ट स्पॉट जहां पर लोग घूमने जाते हैं, तो नागरकोल वहां पे पहुंची, आप जाके जो है यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर का वो स्थली है, समाधि स्थली है, वहां पर जाइए और वहां पर जाके सिंपली आप रूम ले सकते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको कि बहुत अच्छा है कि वहां पर सनराइज देख सकते हैं कन्याकुमारी के अंदर, सनसेट देख सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत का सबसे अंतिम छोर है वो, तो वहां पर जो दृश्य होता है अद्भुत होता है, ऑल ओवर इंडिया से लोग वहां पहुंचते हैं इस दृश्य को देखने के लिए अपने कैमरे में कैद करने के लिए, तो आप भी अपने कैमरे में कैद करिए अपने मेमोरी के लिए दोस्तों। और दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर का एक समाधि स्थली है, जब वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी गए थे समुद्र के बीचों बीच में पत्थर पर बैठ के अपना मतलब खो गए थे अपने भगवान को याद करने में, तो जगह को बता दिया गया, मतलब उसका विकास हो चुका है, वहाँ पे मंदिर बना दिया गया, तो लोग जाते हैं स्टीमर से उस जगह घूमने के लिए, तो आप भी वहाँ जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो कन्याकुमारी घूमिए, उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन बताऊंगा आपको मैं कि उस मंदिर के बारे में जो लोग पूरा हल्ला हुल्ला तक 6 दरवाजे खुल चुका है 7वां दरवाजा खुलेगा तो क्या हो जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, तो उस मंदिर को कहते हैं पद्मास्वामी मंदिर दोस्तों। ये त्रिवेंद्रमपुरम में है, कन्याकुमारी से बहुत पास पड़ता है, तो अगला डेस्टिनेशन बनाइए त्रिवेंद्रमपुरम, वहाँ पहुँच जाए दोस्तों। हम लोग यहाँ पहुँचे हुए थे तो सबसे पहले एनवायरमेंट सेट था कि हम उस मंदिर को देखेंगे और दरवाजों को देखने का प्रयास करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया खुलने के लिए। हम पहुंचते उस मंदिर के अंदर, लेकिन वहां का एक मर्यादा है कि आप डायरेक्टली जो है उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, आपको बाहर से धोती खरीदना पड़ेगा जो कि 40-50 में धोती मिल जाता है, और उसी धोती को पहन करके आप मंदिर में जा सकते हैं दोस्तों, वरना अगर आप पैंट शर्ट पहन के जाना चाहते हैं तो आपको अलाउ नहीं होगा। महिलाओं के साथ में भी है वो कि पैंट शर्ट पहन के और सारी जींस पहन के जाना चाहती हैं तो उनको अलाउ नहीं होगा, उनका भी ड्रेस कोड होता है, क्योंकि वहाँ कोई महिलाएं नहीं गई थी तो वहाँ पर हम जाने नहीं गए थे, तो वहाँ पर नॉर्मली शायद वो भी साड़ी पहन के जा सकती हैं, ऐसा कुछ नियम कानून हो तो इसके थोड़ा सा इस पर आप विचार और पढ़ लीजिएगा जाने के पहले, महिलाओं के लिए पता कर लीजिए, मालूम हो जाएगा आपको दोस्तों। पद्मास्वामी मंदिर घूमिए, और जब मंदिर में घुसे हुए थे तो उसके बाद हमने 7वां दरवाजा खोल रहे थे कि हम लोग को दरवाजा कहीं दिखा नहीं था, क्योंकि वो बंद है और अलग है, बड़ा मंदिर है, ऐतिहासिक है, लोग ऑल ओवर इंडिया से और पूरे भारत से वहाँ घूमने के लिए जाते हैं दोस्तों। फिर वो त्रिवेंद्रमपुरम से नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप बना सकते हैं कोचीन का दोस्तों। कोचीन वो आप जानते हैं केरला के अंदर बहुत ही अद्भुत और बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। हम पहुँचते हैं कोचीन, कोचीन से 2 टूरिस्ट स्पॉट, एक है एलेप्पी और एक है मुन्नार। कोचीन के पास में एलेप्पी डायरेक्शन में है, मुन्नार इस डायरेक्शन के अंदर। आपको अगर बोट में रात गुजारनी है, आप चाहते हैं बोट हाउस देखना, तो एलेप्पी के अंदर आपको ये सुंदर दृश्य दिख जाएगा, आप वहाँ बुक कर सकते हैं अलग अलग। अगर आप कपल हैं, अगर आप टूरिस्ट में हैं, तो वहाँ देखेंगे कि रात में
वो बोट बुक होता है और आपको रात में लेके जाएगा नदी किनारे, और आपको पूरा बीचों में जो है आप स्टे कर सकते हैं, खाना बनाइए बोट के ऊपर, एंजॉय कर सकते हैं। वो अलग दृश्य है, वो लोग हम लोग जो नॉर्थ इंडिया के लोग हम लोग देखे नहीं होते, तो इस सारी चीज़ें हम लोग बहुत मनमोहक, हम लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है दोस्तों। वहाँ लौट के दोबारा कोचीन आ जाइए, और जाना चाहते हैं हिल स्टेशन, तो केरला के अंदर भी हिल स्टेशन इसको कहते हैं मुन्नार। आप चाय के बागान देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हमारे वहाँ जो जीरा, हमारे वहाँ जो इलायची, हमारे वहाँ जो ये चीज़ें मसाला देखने को मिलता है, वो सब का उत्पादक उसी साइड में होता रहता है, तो सारे आपको जो है खेती देखने को मिलेगा। तो हम लोग भी गए थे, खेती दिखे हुए थे। अगर हाथी की सवारी आपको करनी है तो आप मुन्नार में जाइए, हाथी की सवारी कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा दृश्य है। लेकिन इतना घूमने के बाद में हम हैक्टिक हो चुके थे यार, लगभग 10-12 दिन के सफर करने के लिए, लेकिन आप कम पैसे में इतना दूर घूमना चाहते हैं ट्रेन जर्नी के माध्यम से, मैं तो कहूँगा कि एक बार शुरू करिए, एक बार शुरू समुद्र कोस्टल एरिया घूमते 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 इस साइड आइए, और यहाँ से जो अपना वापसी जर्नी कर सकते हैं। तो कोचीन हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था, और वहाँ से फिर हमने जो है ट्रेन पकड़ लिया नॉर्मली वापस आने के लिए एराकुलम। एराकुलम जो कि कोचीन में पड़ता है और लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर है कोचीन रेलवे स्टेशन से, उनका दूरी एराकुलम आइए, और उसी ट्रेन से दोबारा जो वापस आप गोरखपुर आ सकते हैं, जो कि जिस ट्रेन से हम लोग गए थे, क्योंकि राप्ती सागर जो है एराकुलम तक जाता है, तो हम लोग भी जो है वहीं तक गए हुए थे। एराकुलम से आप गोरखपुर आइए, गोरखपुर आकर के आप फिर अपने घर जाते दोस्तों आप रहते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में बताने का मतलब ये था कि आप लोग भी अगर साउथ इंडिया घूमने के शौकीन हैं, तो इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको कुछ इंपॉर्टेंस मिले, कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान मिल सके। दोस्तों ज्ञान की बातें सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये ज्ञान मेरे पास था तो मैं सोचा आपको अपने ज्ञान से अवगत करा दोस्तों। तो घूम के जरूर आइएगा, साउथ इंडिया बहुत ही अच्छा जगह है, और प्लानिंग 2 से 3 महीने पहले करें तभी आपको टिकट सारे मिल पाएंगे, वरना टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा। वीडियो पसंद है लाइक कर लिए, कमेंट बॉक्स में जाइए कि बताइए आप लोग क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या आपके लिए जो है अच्छा वीडियो बना सकते हैं। हाँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो लोग जो है साउथ इंडिया घूमना चाहते हैं, हो सके आपके शेयर से उनको फायदा मिल जाए, वो सब भी जो है इस दृश्य का आनंद ले सके दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।